आगामी नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव के मद्देनजर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा इन दिनों बस्तर के दौरे में पहुंचे हुए हैं। जगदलपुर राजीव भवन में सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा ने बस्तर जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगामी चुनाव को मद्देनजर सक्रिय होने का आह्वान किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शेष नारायण ओझा ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों से कार्यकर्ता जरूर थोड़े निराश हैं, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है साथ ही ब्लॉक स्तर पर खाली पड़े पदों को भरने का काम भी जल्द किया जाएगा। जगदलपुर से SD राज की रिपोर्ट। सो बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ मुझे एडिशनल इंचार्ज छत्तीसगढ़ राज्य का भी मिला है, और जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि जब भी कभी नया राज्य किसी भी प्रभारी को मिलता है तो पहला उद्देश्य उसका ये होता है कि अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, अपने पदाधिकारियों तक पहुंचे। उसी क्रम में ये मेरा कांकेर कोंडागांव के बाद आज जगदलपुर का जिला कार्यकारिणी की बैठक का कार्यक्रम है। मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, पदाधिकारियों के साथ बैठूंगा, और मुझे मालूम ये है कि पिछले दिनों जिस प्रकार के रिजल्ट लोकसभा और विधानसभा में आए उससे हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा भी है। उन चीज़ों पर बातचीत करके संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे संगठन में नए लोगों को मौका दिया जाए, ब्लॉक कार्यकारिणी भरी जाए, विधानसभा कार्यकारिणी भरी जाए, जिले और प्रदेश में लोगों को स्थान दिया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आने वाले भविष्य के जो मेयर के इलेक्शन, सभासद के इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन हैं, उनके लिए हमारे युवाओं को कैसे प्रिपेयर किया जाए कि वो अधिक से अधिक संख्या में चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर के जीत के आए, जिससे आंतरिक लोकतंत्र की जो संरचना है उसको मजबूती मिल सके और साथ ही में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके।